थाना एतमतपुर के धौरा गांव के निवासी ने जिला मुख्यालय पहुंच फर्जी बैनामे के जरिए उसे घर से बेघर करने पर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि उसने मामले की शिकायत थाना पुलिस को भी की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। एतमतपुर के गांव धुर्रा के रहने वाले रामबाबू नामक व्यक्ति ने गांव के ही रहने वाले दबंग लोगों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने फर्जी तरीके से उनके घर का बेनामा कर लिया है और उसके साथ मारपीट कर उसे घर से बेघर कर दिया है। पीड़ित ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव के रहने वाले यादव जाति के माया देवी, कर्मवीर और महावीर आदि लोगों ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया है और उसके परिजनों के साथ मारपीट कर घर से बेघर कर दिया है। जब उसने अपने साथ हुई घटना की शिकायत थाना पुलिस को दी तो पुलिस ने मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। मैं गांव धोर्रा में रहता हूं और कुमारी जाति गांव में कल दोपहर को करीब 5 बजे, शाम को 5 बजे, और मैं घर से गया छोटे भाई के लिए खरबूजा ले गए इस बच्चे के लिए। थॉमस सिंह और संतोष कुमार जो सुरेश का लड़का है, उन्होंने मुझे रेलवे पुल के नीचे निकलते ही पकड़ लिया। मैं वहाँ से साइकिल लेकर भाग गया तो मेरे पीछे मोटरसाइकिल दे गए, अंदर घर में जाकर मुझे पकड़ लिया। जब घर पर ये लोग कोई भी नहीं था और उसकी एक बीवी और थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसमें 2-3 डंडे मार दिए अमर सिंह ने घर में घुस के। हाँ जी, प्रशासन से हम चाहते हैं कि हमारा न्याय होना चाहिए। पुलिस हमारी सुनती नहीं है। अपने कई बार रिपोर्ट दो तो पुलिस के सामने ही करती है रिपोर्ट। मैं धौर्रा गांव से हूँ, कुबेरपुर के पास पड़ता है, थाना यहाँ पर पड़ता है। हम कुमार जाति से हैं। अच्छा, क्या मामला है आपके साथ, क्या हुआ? हमारे साथ यादव लोग हैं गांव धौर्रा के, उनने ज़बरदस्ती हमारे घर का बेनामा करा लिया फर्जी तरीके से। हमारा प्लाट नंबर है 364 में और उन लोगों ने 36 में करा लिया है, गाटा संख्या 36 में करा लिया है। आए दिन घर में घुसकर हमसे मारपीट करते हैं, मकान खाली करने को कहते हैं। अभी 1 महीने से हम घर नहीं गए हैं, घर में घुसने नहीं दिया जा रहा गांव में। तो किस समाज के लोग हैं? यादव समाज के लोग हैं। तो आपने इसके लिए आवाज़ उठाई? आवाज़ उठाई थी, थाने में दी थी, पुलिस आई थी, पुलिस के सामने हमको मारा गया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम चाहते हैं कि हमारा न्याय दिलाया जाए, बस।